हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करते हैं पिता, इनके घरों में आशीषों की बारिश होने पाए, सारे मार्ग ओपन होने पाए पिता, सुख और शांति की पिता परमेश्वर स्वर्ग की से आशीष से उतरने पाए पिता, बीमार चंगी हो जाए, अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बाहर जाए, हर एक काम सफल हो जाए पिता, कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए, बीमार चंगे हो जाए पिता, रास्ते खुल जाए और यीशु के नाम में आशीषों से भर जाए। प्रेज़ टू जीसस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस भोर की प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन में अपने घरों में इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं कि यह प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। कह रहा हूं स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया। मेरे पियो हम विश्वास करें, जब हम विश्वास करेंगे तो अपने जीवन में हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अन होना है। क्या है? बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अन होना है। तो हमें आशा रखना है, भरोसा रखना है यीशु मसीह के ऊपर कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। देखिए रोमियो के 12 अध्याय के उसके 11 वचन में कुछ यूं कहता है, रोमियो 12 अध्याय के 12 वचन, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में निमित्त लगे रहो। एक वचन और परमेश्वर हमें तीन चीजें कहने के लिए करने के लिए कह रहा है। एक वचन में तीन प्रतिज्ञाएं। क्या कहता है? आशा में आनंदित रहो, यानी कि हमें जो नहीं मिली है उसे हमें यीशु के ऊपर आशा रखना है, भरोसा रखना है कि वो मुझे मिल जाएगा, और उस मिलने के बाद जो आपको आनंद मिलेगा उस आनंद को हमें अभी वर्तमान में हमें जीना है। तो कहता है आशा में आनंदित रहो और कलेश में स्थिर रहो। कलेश में स्थिर रहो यानी कि जब समस्याएं आए, परेशानियां आए, कलेश आए, लड़ाई झगड़े हो, उसमें क्या रहना है? हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। और प्रार्थना में निमित्त लगे रहो। परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना, हमें प्रार्थना नहीं छोड़ना है। क्या करना है? हमें प्रार्थना में हमें लगे रहना है, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमें जीवित रखता है, प्रार्थना ही है जो हमें आशीषों से भरता है। मसीह जीवन प्रार्थना बिना रही नहीं सकता। जिस प्रकार से मछली बिन पानी नहीं, उसी प्रकार से प्रार्थना बिन विश्वासी नहीं। तो एक विश्वासी को जरूरी है कि वह हर रोज हर समय प्रार्थना करें। वचन तो यह कहता है हर समय प्रार्थना में लगे रहो, यानी कि हर समय हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? हम अपने मन में, हम अपने हृदय में, हम दिल की गहराई से हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं मेरे पियो। अब आप बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना कैसे करेंगे मन में, चिंता कैसे करते हैं? मन में तो चिंता करते हैं, बोल बोल कर या फिर चिल्ला चिल्ला कर चिंता नहीं करते हैं, मन में ही चिंता करते हैं ना। तो उसी प्रकार से प्रार्थना में भी हमें क्या करना है? मन में करते रहना है, और हमें हर एक कार्यों में हमें करते रहना है। आशा में आनंदित, कलेश में स्थिर और प्रार्थना में निमित्त लगे रहना है। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर निश्चय कर्म करेगा। जितने लोग अपने बीच को बोया है प्रभु के कार्य के लिए, उसके राज्य की होत्री के लिए, हमारी मिस्ट्री हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा का धन्यवाद करें मेरे पियो, उससे प्रार्थना करें, उससे आराधना करें। वो हमारा परमेश्वर है, वो जीवतों का परमेश्वर है, वादी अंत है मेरे पियो। यस, उसने हमें एक नया महीना दिया, एक नया साल दिया, एक नया दिन दिया। हम इस बात के लिए उसको धन्यवाद करने वाले हो जाए। यस थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए पिता, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हम हर हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। क्यू लॉर्ड प्रेज़ टू जीसस। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को मैं आशीष की घोषणा करता हूं पिता, इनके घरों में आशीषों की बारिश होने पाए स्वर्ग से पिता परमेश्वर। ओ रिसिखा रावा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। आशीष स्वर्ग से उतरने पाए इनके जीवन में पिता, जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए पिता आप बहुताय से इनके जीवन में देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता पुत्र और
और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करते हैं, इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके जंजीरें टूटने पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। ओ रीमा रामा सीका रावा हुला रावा रिका रावा रिक्तम जयम आशीष से बहने पाए पिता धरा के समान इनके जीवन में। जो भी इनके जीवन रुकावटें बधाएं आ रही पिता, वो सारे रुकावटें बधाएं यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, इसी समय राइट नाउ सारे बंधन से, सारे चिंता से, सारी परेशानियों से पिता आजाद हो जाए इसी समय। यस मेरे पियो, समस्याएं पहाड़ जैसे ही क्यों ना हो, जिस तरह से परमेश्वर ने समुद्र को दो भागों में कर दिया और अपने लोगों को उस पार ले गया, शत्रु की सारी सेना उसी समुद्र में उसी राह में डूब गई। यस मेरे पियो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर पहाड़ जैसी समस्याओं को तुम्हारे जीवन से निकालने जा रहा है। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, पहाड़ जैसे क्यों ना हो, उन समस्याओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वहां से आपको रास्ता निकाल रहा है। यस पहाड़ जैसी समस्याएं आपके जीवन से निकल रही है पिता। जो भी इनके जीवन में समस्याएं हैं पिता, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो प्रभु जी, मैं आज की सुबह इनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, इनकी समस्याएं बाहर निकलने पाए, इनकी परेशानियां बाहर निकलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनके मार्ग खुलने पाए आपके नाम से, और हर एक परेशानी से पिता आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाले हो जाए। ओ रीमा रामा सीका रावा उला रावा रिका रावा रिक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इससे समय पिता हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, हम आपके नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, हर एक परेशानी हर एक चिंताएं आपके नाम से दूर होने पाए पिता, इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, इनकी चिंताएं बाहर निकलने पाए, चिंता करने वाली बातों से मैं इन्हें आजादी की घोषणा करता हूँ। आज के दिन मेरे पियो अपना बोझ अपनी चिंता जीवित खुदा के हाथों में दे दीजिए। वो कहते हैं मैं करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हम अपना बोझ अपनी चिंता विश्वास के साथ हम यीशु के हाथों में सौंप दे मेरे पियो। ओ हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है, ओ हमारे लिए आरिशाय क्रम करने के लिए तैयार है, हमारे मार्गों को खोलने के लिए तैयार है, हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए तैयार है, हमें सब समस्याओं से छुटकारे के लिए तैयार है। यस हालेलुया, महिमा हो पिता। घरों में जो भिन्न प्रकार की समस्याएं कार्य कर रही पिता, घर की हर एक समस्याएं दूर हो जाए पिता, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक मार्ग खुलने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, स्वर्गीय ब्लेसिंग स्वर्गीय आशीष इनके जीवन में उतरने पाए। हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। इसी समय प्रभु जी अपनी आशो से आप इन्हें भरपूर करें, इनके जो भी मार्ग बंद है पिता वो मार्ग आपके नाम से खुलने पाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष घोषणा करते हैं। ओ रीमा रामा सीका रावा हुला रावा रिका रावा रिक्तम जयम, इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, चिंता और परेशानियां सब इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। जो भी प्रकार की समस्याओं में घिरे हैं पिता, उन सारे समस्याओं से इस समय आजाद हो जाए, इस समय आजाद हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ, ये समस्याओं से आजाद होकर आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता परमेश्वर है। मेरे पियो समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो समस्याएं तुम्हारे जीवन से निकल रही है, विश्वास करें परेशानियां निकल रही है, रास्ते खुल रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम में। जो भी इनके जो मार्ग बंद है पिता, वो आपके नाम से मार्ग खुल जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। इनके मार्ग खुलने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, जंजीरें टूटने पाए पिता, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, स्वर्गीय ब्लेसिंग स्वर्गीय आशीष इनके जीवन में आप देने जा रहे हैं खुदा। हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष की घोषणा करते हैं। सारी चिंताओं से, परेशानियों से, निराशाओं से आपने इन्हें निकाल दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ पिता, घर में जो आर्थिक तंगियां है,
ओ पिता उससे छुटकारा मिलने पाए, हर एक जोड़ते पूरी होने पाए, पैसे की समस्याएं दूर होने पाए, जो काम होने वाले हैं पिता उनमें पिता हर एक इंतजाम हो जाए आपके नाम से, बहुताय से पूरी होने पाए, आशीष से धरा के समान बह के आने पाए पिता, और पिता हर एक काम आपके नाम से सफल हो जाए यीशु के नाम में, यही प्रार्थना करते हैं। ओ पिता आपने हर एक आशो से भरपूर किया, आपने हर एक जोड़तों को पूरा किया, जीवन यापन करने के जो वस्तुएं चाहिए थे पिता उन सबों से आपने हमें भर दिया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके लिए जो बीजा की समस्या है पिता, बीजा नहीं मिल पा रही, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं पिता, ओ खुदावन हम प्रार्थना करते हैं पिता बीजा की ब्लेसिंग मिलने पाए, रुकावटें बधाएं सब आपके नाम से जाती रहे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यासो से भर जाए। ओ रीमा रामा सिका राबा उला राबा रिका राबा रितम जयम, यीशु के नाम यासो से भर जाए, ब्लेसिंग मिलने पाए, बीजा की ब्लेसिंग मिलने पाए, ऐसे समय हम यीशु के नाम में आशीष की घोषणा करते हैं। आपने ब्लेस किया, आशीष किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो प्रभु जी इस समय पिता बीमार है पिता, हताश है, दवाई खा के थक चुके हैं, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, चक्कर लगाकर हॉस्पिटल का थक चुके हैं पिता, ये थके मांदे आए हैं प्रभु लेकिन विश्वास के साथ आए हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। चाहे किसी प्रकार की पिता ये बंधन में क्यों ना हो, बीमारी में पड़े क्यों ना हो प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, बीमारियां इनके शरीर से गायब हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए पिता, गाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए, ये बल पे बल प्राप्त करते जाए, ये शक्ति और सामर्थ्य से भर जाए पिता, और बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, छोटी हो, बड़ी हो, नई हो, पुरानी हो, हर एक बीमारी इनके शरीर से गायब हो जाए इस समय यीशु के नाम में, मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। विश्वास करें मेरे पियो, परमेश्वर आपको सिफा चंगाई दे रहा है। ओ हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, हम आपके नाम से चंगाई की आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक बीमारी, हर एक दर्द से ये आजाद होने पाए पिता, हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए, बीमारी के बंधन से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं। मेरे पियो आप दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिफा और चंगाई आपको मिल रहा है, आप दवाई खा के थक चुके हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, चंगाई का सामर्थ्य आपके शरीरों में प्रवाहित हो रहा है, बल पे बल प्राप्त कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे हो जाए, यह ब्लेसिंग हो जाए पिता, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। ओ रीमा रामा सिका राबा उला राबा रिका राबा रितम जयम, हर एक दर्द बाहर निकलने पाए। ओ पिता हर एक बीमारी जो पिता सालों से इनके शरीर में कार्य कर रही है इस समय यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, इनके पैरों में सामर्थ्य आ जाए, इनकी हड्डियों में सामर्थ्य आए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, कमजोरियां, वीकनेस सबसे पिता आजाद होकर आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की आशीष की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए पिता, हर एक बीमारी इनके पेट से बाहर जाए, रसोलिया, पथरिया, गिल्टिया, गांठे सब बाहर जाए, बीपी, शुगर, नमक हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए पिता। ओ पिता चश्मे उतरने पाए, सिर दर्द गायब हो जाए, आंख की बीमारियां बाहर जाए, पैर के रोग चंगे हो जाए, लकवे के रोगी चंगे हो जाए, गले की समस्याएं बाहर निकलने पाए, यीशु के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक दर्द, हर एक बीमारी इससे समय यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। अपने हाथों को उठाएं और विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यस मेरे पियो प्रभु आपको सिफा चंगाई दे रहा है, दर्द से आपको आजादी दे रहा है, आपके शरीर से बीमारियां बाहर निकल रही है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए पिता, हर एक ऑपरेशन
कैंसिल, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए और इस समय दवाई से चंगे हो जाए पिता। जो एडमिट हॉस्पिटल में वहां से आजाद होकर घर को आकर आपकी महिमा करने वाली हो जाए, मुंह के छाले ठीक होने पाए, पथरिया बाहर निकलने पाए, गांठे बाहर निकलने पाए, रसोलिया बाहर जाए इस समय, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे हो जाए। आप चंगे हो रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगाई है, उससे पुकारे मेरे पियो, हृदय की गहराई से उसके पास आए, पापों से फिर कर, गुनाहों से फिर करे, उसके पास आकर यस उसको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करे, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करेगा। ओ रिस सिखरे भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, हर एक दर्द हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, रसोलिया पथरिया गिल्टिया गांठे सब यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, आप चंगे हो रहे मेरे पियो, बीमारी आपके शरीर से निकल रही है, बीमारी के बंधन से परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है। यस आप दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, किसी गांव के शहर में जो हृदय की गहराई से सच्चाई के साथ है, वो पापों की क्षमा प्राप्त करते हुए यीशु के पास आ रहा है, वो यीशु अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं उन्हें। इसी समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई की घोषणा करते हैं, आशीष की घोषणा करते हैं, हर एक दर्द हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट राइट नाउ ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए पिता, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए आपके नाम से, आपने सीफा चंगाई दे दिया इन्हें, हम धन्यवाद 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 करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड प्रीस्ट टू जीसस, हर एक ऑपरेशन को आपने कैंसिल कर दिया, सालू से दर्द से आपने छुटकारा प्रदान किया पिता, ओ धन्यवाद करते हैं पिता। जो छोटे बच्चे बोल नहीं पाए, चल नहीं पाए, प्रार्थना करते बोल नहीं पाए, चल नहीं पाए, सुन नहीं पाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता, ओ पिता झुनझुनी कंपन मिर्गी झटके वाली बीमारियां बाहर निकलने पाए, इसी समय यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, आपने सिफा चंगाई दे दिया, धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाए और प्रभु का धन्यवाद करें, वो राजाओं का राजा है मेरे पियो, प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। यस हालेलुया, यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम ये आंसुओं से भर जाए, आपके नाम से पिता हर एक को आशीष की चंगाई की घोषणा करते हैं, आपने चंगाई दिया धन्यवाद करते हैं। कर्ज में घिरे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे कर्ज के बंधन टूटने पाए, सारे कर्ज के जाले फटने पाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में हर एक कर्ज के बंधनों से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, हर एक कर्ज के जाले यीशु के नाम में फट जाए और सारे कर्ज के बंधनों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने वाली हो जाए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से हम छुटकारे की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में सारे कर्ज के जाले फटने पाए और हर एक कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए पिता, और इनका कर्ज यीशु के नाम में इसी समय चुकाया जाए। ओ पिता जो सालों से कर्ज में पड़े हैं पिता, सारी कमाई कर्ज में जा रही है प्रभु जी, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा, सारे कर्ज के बंधन टूटने पाए, हर एक कर्ज के जाले फटने पाए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में सारे कर्ज के बंधन से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ, आपने सारे कर्ज के जंजीरों से आजाद किया इन्हें, धन्यवाद 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 करते हैं पिता। जिनकी मेहनत कमाई पिता, सालों की पूंजी प्रभु जी, जीवन भर की पूंजी है पिता, कहीं दिए हैं पिता, किसी को पिता कंपनी में लगाए हैं, कहीं पैसा इन्वेस्ट किए पिता, लेकिन मिलने में समस्याएं आ रही है प्रभु जी, जो उच्च पदों पर अधिकारी बैठे हैं पिता, ओ पिता राजाओं के मन को नालियों के समान फिरने वाले परमेश्वर है पिता, ओ खुदा हम इन अधिकारियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, इनका हृदय मन भी फिर जाए आपके नाम से, और पिता ये आपकी महिमा करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता, इनके पिता मेहनत कमाई जहां अटका है जहां है पिता वो आपके नाम से मिल जाए, आप ही है पिता जो इनकी मेहनत कमाई को दिला सकते हैं प्रभु जी, हाँ पिता, हाँ पिता आप ये कह रहे हैं कि मैं दसवां अंश निकालूंगा, निर्णय ले रहे हैं प्रभु जी कि आपके कार्य के उसमें से पिता दसवां अंश निकालूंगा, प्रभु जी मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो चाहा पैसा फंसा है उनका हृदय मन फिर जाए और इनकी मेहनत कमाई मिल जाए आपके नाम से, अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट करे पिता और सारे रास्ते को खोल दे पिता, बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए और आपकी महिमा प्रकट
कनेक्ट होने पाए, आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, जिस घर में अशांति फैली है, लाए झड़े की आत्माएं कार्य करिए, नशे की आत्माएं कार्य करिए, जिस कारण उस घर में अशांति फैली है, आशीष से नहीं आ रही है, ओ पिता इनके लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, विचार की आत्माएं बाहर निकलने पाए। मैं कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को देखा जो विचार में पड़े हुए हैं, जिस कारण उस घर में अशांति फैली रहती है, लाए झड़े की आत्माएं कार्य करती है, आशीषें वहां नहीं आती, कमाते तो है लेकिन उधर से आती इधर चली जाती है। मैं कह रहा हूं संपूर्ण मन से यीशु के पास आओ, अपने अपने पापों की क्षमा प्राप्त करो, अंधकार की आत्माओं से, नशे की आत्माओं से, विचार की आत्माओं से बाहर निकलो और यीशु मसीह के पास आकर उसे जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करो। आज तुम्हारे हृदय में यीशु जन्म ले और आज तुम्हारे घरों में शांति आएगी। यस यस पिता, हम आपके नाम से ने आशीष करते हैं पिता। ओ पिता अपनी शांति इनके जीवन में प्रकट करे पिता, और मैं मिलाप की आत्मा आ जाए पिता, घरों में शांति आ जाए, मन मुटाव दूर हो जाए पिता, राय झड़े की आत्माएं वहां से बाहर निकलने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम आशीष करते हैं, अपनी आंसू से आपने भरपूर किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी, यीशु के नाम में हम आशीष करते हैं पिता, अपनी आंसू से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें पिता परमेश्वर। जो पिता आज इनका जन्मदिन है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं पिता, जन्म से लेकर अभी तक आपने संभाला पिता, हर पल हर समय पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, और एक नया साल दिया पिता, धन्यवाद करते हैं। इस नए साल में पिता ये आंसू से भर जाए, नया साल नई आंसू से भरने पाए, ये नए साल में आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता, ओ पिता आप में जड़ पकड़ने वाले हो जाए, इनको हम नए साल में हम आशीष करते हैं पिता। हर एक क्षेत्रों में आपने नए साल में ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जिनका पिता सालगिरह है प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जब से आपने जुड़ा पिता अब तक आपने संभाला, जीवन की हर एक परिस्थितियों में आपने सहायता मदद किया पिता, और हर समय हर पल पिता हमारी मदद किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम इनको आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में इस नए साल में आंसू से भर जाए, हम आपके नाम से आशीष करते हैं, आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता जॉब की समस्याओं में घिरे हैं पिता, उनके पास जॉब नहीं है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, ओ रे सिख रे वे यीशु के नाम यह ब्लेस हो जाए पिता, जॉब की आशीष से मिलने पाए पिता इनके जीवन में। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, हालेलुया। ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस हो जाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए पिता, ऊंचे स्थानों पर बैठाए जाए पिता, मांगने से अधिक गुता से बढ़कर आप इन्हें जॉब की ब्लेसिंग देने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। आपने जॉब की ब्लेसिंग दे दिया, ऊंचे स्थानों पर आपने बैठा दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, यीशु के नाम यह ब्लेस हो जाए, यीशु के नाम में आंसू से भर जाए। से बढ़कर आपने इनको जॉब की ब्लेसिंग दिया पिता, हर एक क्षेत्रों में आपने सफलता दिया पिता, एग्जाम दिए थे उसमें आपने आशीष दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए, शादी के सलो बीत चुके हैं पिता, डॉक्टर को दिखा के थक चुके हैं, उन्होंने कहा बच्चे का आशीष नहीं मिलेगी, बच्चे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप संभव को संभव करने परमेश्वर है पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए और यीशु के नाम में आंसू से भर जाए, बच्चे की ब्लेसिंग यीशु के नाम में मिलने पाए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, हम आशीष की घोषणा करते हैं। आपने बच्चे की आशीष दे दिया इनके जीवन में पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, महिमा हो राजा यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट नाउ ये आंसू से भर जाए, बच्चे की ब्लेसिंग 2024 में आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं पिता। जो काम पिता 2024 को में होने वाले पिता, जो इनका प्लान है, जो इनका ड्रीम है पिता, उन सब प्लान और ड्रीमों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उन सबों में पिता 2024 में आप इन्हें सफलता प्रदान करें और अपनी महिमा के लिए आप इन्हें बहुत आयस उपयोग करें पिता, यही प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, हम आशीष की घोषणा करते हैं। नई ब्लेसिंग, नई आशीष आपने दे दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड, जिस घर में ये प्रार्थना चले पिता, उस घर में आंसू की बारिश होने पाए, वहां बंधन टूटे, मार्ग खुले और हर एक काम सफल हो जाए आपके नाम से, ओ पिता आगे बढ़ने पाए, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाए जाए और आपकी महिमा इनके बीच में प्रकट होने पाए पिता, यही हम प्रार्थना कर। जितने लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर
आपके कार्य के लिए, आपके राज्य के बहुतरी के लिए अपने बीज को बोया है पिता। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं पिता, इनके सैलरी को, इनके बिजनेस को, इनके शॉप को, घर परिवार को हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। जितना ये बीज बोते उसका 100 गुना आप इन्हें आशीष करने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इनके घर परिवार को ब्लेस करते हैं, इनके सैलरी को आशीष करते हैं, कमाई को आशीष करते हैं पिता। जो कमाते हैं में फलवंत होने पाए, फालतू खर्चे वारी की आत्माएं सब यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, इनके काज हो खोल करें। अपने आशीष की वर्षा आपने कर दिया इनके जीवन में, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाले प्रार्थ रिक्वेस्ट, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं, बीमारी चिंता परेशानियां सब बाहर निकलने पाए। जो पिता इनके जीवन पिता वो बाधाएं आ रही है पिता आगे बढ़ने में, वो बाधाएं दूर होने पाए, वो पिता सफलता नहीं मिल पाई, हम इनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं वो आगे बढ़ने पाए, सफलता मिलने पाए पिता, और नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचने पाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं खुदावन। और पिता परमेश्वर बहुत से भाई बहनों की शादी नहीं हो पा रही है पिता, मैं प्रार्थना करता 2024 में आप उन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। ये आंसू से भर जाए, चिंता परेशानी समस्याएं सब यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। जितने लोग देख रहे हैं सूर्य हर एक के ऊपर आपकी आस से उतरने पाए, और हर एक को पिता अपनी आंसू से भर दीजिए। दिन भर कार्य मंगवाई के जाए जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए, और जितने का रिपोर्ट आने वाले आज की सुबह सबका रिपोर्ट 9वां आने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु पिता जी, आशीष मांगते हैं यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय आमीन। मेरे पियो सुबह शाम प्रार्थना को देखें, और अपने घरों में इस प्रार्थना को, रूम में प्रार्थना को चालू करके रखें। जब आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, रूम में प्रार्थना को सुनते हैं, वहां सारे बंधन टूटते हैं और हर एक जंजीरें टूटती है। अगर कुछ बाहर का ब्लैक मैजिक कार्य कर रहा होगा तो उस घर से, वहां रूम से बाहर निकलेगा जब हम विश्वास करेंगे। हालेलुया, हम विश्वास के साथ हम मसीह में आगे बढ़े, वो हमें अपनी आंसू से भरेगा। हालेलुया, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सके। जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर प्रभु के कार्य का बीज को बोया है, प्रभु आपको आशीष दे। हमारी मिष्टि हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करता है। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।